हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की स्टूडियो में आपको बताने वाले हैं VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 जिसका सेशन है 22 से 26, उन लोगों का एग्जाम डेट आ गया। ठीक है, और ये वीडियो स्पेशल सिर्फ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए ही है। ठीक है, और ये हमारा कॉमन कोर्सेस 4 का है। ठीक है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल का। इसके पहले मैंने 7 वीडियो बना दिए। ठीक है, इसके पहले मैंने 7 वीडियो बना दिया और हर एक सब्जेक्ट का मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करो या तो फिर डिस्क्रिप्शन चेक करो। ठीक है, और बाकी कुछ इसका इंग्लिश का वीडियो जो RK सेंटर पर दूसरा चैनल पर दिया जा रहा है। ठीक है, कुछ जो इंग्लिश का वीडियो, क्योंकि एक टीचर का पॉसिबल नहीं है सारा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंग्लिश का वीडियो इस चैनल पर आपको अपलोड किया जा रहा है और कुछ जो वीडियो है जैसे कि आपका हो गया ईमेल राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, ये सब वो आपको RK सेंटर पर मिल जाएगा। सर्च करो RK सेंटर। ठीक है, और कुछ इसके पहले मैंने 7 वीडियो इस चैनल पर डाला है और बाकी कुछ वीडियो इस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो दोनों को आप लोग देखते रहना। ठीक है, तो हम बताने वाले हैं, इसके पहले हम एरर करप्शन के बारे में बता रखे थे। ठीक है, इसके पहले मैंने एरर करप्शन के बारे में बता रखे थे, अभी हम बताने वाले हैं आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, अब पैराग्राफ राइटिंग के अंदर शॉर्ट नोट, इसके पहले मैंने पैराग्राफ राइटिंग भी बता रखा था जो कि आप लोग को 250 वर्ड में लिखना था। ठीक है, तो अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लो। आज हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट नोट्स। आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स दे सकता है, 5-5 नंबर का 2 दे सकता है या तो फिर 1 ही दे सकता है। ठीक है, तो पैराग्राफ तो आपका 100% आएगा ही आएगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बना दिया है, और आपका शॉर्ट नोट्स भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे शॉर्ट नोट्स कैसे लिखा जाता है, एक हम आपको लिख करके दिखाएंगे और हम आपको कम से कम 6-7 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स देंगे, और वो आपको कैसे लिख के जाना है, रट के जाना है या कौन सा तरीका अपनाना है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो अभी हम एक आपको बताऊंगा इसका पैटर्न कि आपको कैसे लिखना है, इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा इसका। ठीक है, कौन कौन सा शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाना है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस जैसे बताया जा रहा वैसे करो। ठीक है, अगर नंबर आना होगा और अगर आसान क्वेश्चन पूछेगा तो आपका ऑलरेडी अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, नहीं तो देखो अगर आप लोग कुछ भी करो, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा कुछ भी नहीं आपको पता चल पाएगा। तो हम लोग जितना मेहनत होता है उतना मेहनत हम लोग ऑलरेडी लगा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करने में देखो, तो राइट अ शॉर्ट नोट्स इन 120 वर्ड्स ऑन इंपॉर्टेंट ऑफ योगा। आपके इंपॉर्टेंट ऑफ योगा के अंदर आपको दे सकता है कि इंपॉर्टेंट ऑफ योगा पर 120 शब्दों में आपको क्या लिखना है, छोटा सा शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, तो आपको आंसर कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आपको एक हैडिंग डालना है इंपॉर्टेंट ऑफ योगा। हो सकता है कि आपको दूसरा कुछ दे दे तो वो आपको हैडिंग डालना है जिस पे भी आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो मेरे को इंपॉर्टेंट ऑफ योगा पे लिखना था तो मैंने इंपॉर्टेंट ऑफ योगा लिखा। ठीक है, फिर मैं आपको अंडरलाइन करना है, एक लाइन गैपिंग छोड़ना, नीचे से लिखना है। देखो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका अगर दूसरा शॉर्ट नोट्स आ जाता है तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है और पूरा आप लोग पेज कैसे भर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे बताया गया कि योगा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन्स लाइफ इट। ठीक है, यानी कि योगा क्या हमारे, यानी कि सभी की लाइफ में क्या जो योगा होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड। ये क्या करता है, इट हेल्प्स, यह हमें मदद करता है बैलेंसिंग। ठीक है, यानी कि किसको बैलेंस करने में, द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड, हमारे शरीर और जो हमारा दिमाग है इसके बीच का जो बैलेंस है इसको क्या करता है, इसके बीच में एक संबंध जोड़ता है। ठीक है, और इससे हमारा शरीर और माइंड बिल्कुल क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि इट हेल्प या मदद करता है इन बैलेंसिंग, या बैलेंस करने में मुझे मदद करता है, किसके किसके बीच, बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला गया कि योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, कि जो योगा वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या शो देखो, योगा इज अ संस्कृत लैंग्वेज वर्ड विच मीन्स यूनियन एंड डिसिप्लिन। योगा क्या है, एक लैंग्वेज है संस्कृत वर्ड का है। ठीक है, यानी कि एक संस्कृत भाषा का से लिया गया एक वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है यूनियन, यूनियन मीन्स होता है मिलन, यानी संघ, जो एक दूसरे से मिलन होता है, एंड डिसिप्लिन संस्कृत वर्ड से मिलके बना, जिसका दो, इसका दो मतलब मीनिंग होता है, एक होता है यूनियन एंड होता है डिसिप्लिन। ठीक है, यूनियन मीन्स हो गया जो हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं किसी से। ठीक है, यानी मिलन सिंह, और डिसिप्लिन मतलब आप लोग समझते हैं। ठीक है, यूनियन एंड डिसिप्लिन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, अब इसमें ऐसा कोई जरूर नहीं कि आप लोग इस पॉइंट को रट के ही जाओ, अगर वो पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा तो आप लोग बीच में कुछ और घुसा सकते हो, बस 3-4 लाइन अच्छे तरीके से आप लोग लिखो, उसके बाद आप अपने लैंग्वेज में इधर समझ समझ के लिखो। ठीक है, अब फर्स्ट से ही अपना गलत सलत लैंग्वेज यूज मत करना, फर्स्ट में आपको थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बीच में आप लोग अपने लैंग्वेज से लिख सकते हो, और थोड़ा सा जो लास्ट करोगे वो थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको रट के जाना, अगर आप लोग भूल गए कि संस्कृत की कौन कौन सा वर्ड से मिलके बना था तो इसको याद कर रहे हो ना, इसको छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। आगे देखो, इट इज अ
ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यह क्या है हमारा ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है सांस लेने का व्यायाम है, ठीक है, सांस लेने वाला एक्सरसाइज है। जो विच वन लर्न टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ बॉडी, उस ये क्या करता है, जो ये हमारा एक्सरसाइज है ना, वह क्या करती है, सांस लेने का एक व्यायाम है, जो क्या करती है, हमें हमारे जो शरीर के अलग अलग जो अंग है ना, उसके गति को नियंत्रण करने में उपयोगी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही निकला, विच वन लर्न टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन ऑफ बॉडी, जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग है, अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको क्या करते हैं, नियंत्रण, उनके गति को क्या करती है, नियंत्रण करती है, ठीक है। चलो उसके, अगर आप लोगों को कोई भी, अगर हम आप लोगों को शॉर्ट नोट्स देते हैं या तो फिर कुछ भी देते हैं, अगर आपको लोगों को साथ में वर्ड मीनिंग भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, अगले बार से मैं वर्ड मीनिंग भी साथ में लिख दूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। एंड कनेक्ट्स बॉडी विथ सॉल, उसके इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो हमें क्या करता है, हमारे सांस लेने की जो जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया है उसको क्या करती है, अच्छा करती है। उसके बाद हमारे शरीर की जो अलग अलग अंग है, अलग अलग जो हमारे अंग है उसको क्या करती है, अलग अलग अंगों को गति के नियंत्रण को क्या करती है, काम करती है, मतलब अलग अलग जितने भी सारे हमारे शरीर में अंग है उनको नियंत्रण करने का क्या करती है, काम करती है। उसके बाद कनेक्ट्स बॉडी विथ सॉल, आई हमारे आत्मा को, हमारे बॉडी को क्या करती है, आत्मा से कनेक्ट करती है। सॉल मीन्स वही हो गया आत्मा, ठीक है। तो हमारे बॉडी को आत्मा से क्या करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ओम करते हैं, ये सब का शांति से करते हैं, जैसे आत्मा का क्या होता है, यानी कि जो हमारा बॉडी वो आत्मा से मिलन होता है, कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, यह कहाँ पे होता है, इंडिया में, ये इंडिया में ही इसका मतलब क्या हुआ है, यानी इसका जो ऑर्गेनाइज हुआ वो कहाँ पे हुआ, इंडिया में हुआ, ठीक है, यानी कि इंडिया से ही शुरुआत हुआ है, ठीक है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडिया में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया गया, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ये हमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको क्या करती है, इंप्रूव करती है, उसको क्या करती है, अच्छा करती है, बैलेंस बना करके रखती है, ठीक है। इट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, और ये हमारे बॉडी को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है। अब देखो, आप हो सकता है कि दो प्रकार का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, एक तो बिल्कुल लाइन की जैसा लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, ठीक है, जैसे कि देखो इस प्रकार से लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। अब मैंने क्या किया, थोड़ा अच्छा से लिख लिया, कोई जरूर नहीं कि मैंने जितना लाइन लिखा उतना लाइन भी आप लिख सकते हो, एक आधो लाइन बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, ठीक है। ये मैंने 120 वर्ड से ज़्यादा भी लिखा है। तो कुछ आप लोग इंपॉर्टेंस ऑफ योगा के बारे में कुछ आप लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दो, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखो किस टाइप से लिखा है, बेनिफिट्स ऑफ योगा, इस टाइप सबको थोड़ा सा कुछ अलग करके दिखाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब मैंने योगा के बारे में बता दिया कि योगा क्या है, नहीं है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ योगा, कि योगा का बेनिफिट्स क्या होता है। तो नंबर वन, योगा हेल्प्स आवर माइंड रिलैक्स, ये हमारा क्या करते हैं, माइंड को रिलैक्स करने में क्या करती है, योगा मदद करती है, ठीक है, हमारे माइंड को रिलैक्स करने में मदद कौन करती है, योगा। उसके बाद दूसरा क्या है, योगा हेल्प्स अस रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब क्या करती है, जो योगा होती है ना वो हमारे रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब ये हमारे तनाव को क्या करती है, कम करती है, रिड्यूस मीन्स कम करती है, स्ट्रेस मीन्स तनाव को, ठीक है। तो योगा हमें किस में मदद करती है, हमारे तनाव, जो हमारे तनाव बना रहा था उसको क्या करती है, कम करती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे लास्ट में। योगा कंट्रोल आवर ब्लड प्रेशर, ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, योगा इम्प्रूव्स आवर ब्रीथिंग सिस्टम, ये हमारा ब्रीथिंग सिस्टम जो सांस लेने की प्रक्रिया है इसको क्या करती है, हमारे इम्प्रूव करती है, सही करती है। पांचवा पॉइंट में क्या है, तो पांचवा पॉइंट बताइए कि योगा रिलैक्स अस, यानी कि योगा हमें क्या करती है, रिलैक्स करती है, हमें रिलैक्स प्रदान करती है, ठीक है, हमें रिलैक्स बनाती है। टू हेल्प अस स्लीप बेटर, और हमें सोने में बहुत ही अच्छा मदद करती है, ठीक है। इस अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक हमें अच्छा सा नींद आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, छठा, योगा रिड्यूज लो बैक पेन, मतलब क्या होता है, जो पेट के निचले हिस्सा का होता है ना उसको दर्द को कम करती है, मतलब हमारे दर्द को भी क्या करती है, कम करती है, ठीक है। ये हो गया आपका योगा के बारे में, मैंने आपको लिख के बताया कि पैटर्न कैसा रहता है, आप लोग शॉर्ट नोट्स में किस टाइप से लिखोगे, ठीक है। मैंने 120 वर्ड से ज़्यादा भी लिखा, आप लोग थोड़ा सा कम भी लिख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि टाइम आपका जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारा शॉर्ट नोट्स दिया, ठीक है, अब इतना आप लोग पढ़ के जाना, लेकिन क्या आपको पूरा 120 वर्ड रट के जाना, नहीं, आप लोग उसके बारे में समझ के जाओ, चार पांच लाइन थोड़ा सा याद कर लो, अच्छा अच्छा पॉइंट, उसके बाद आपको नीचे छठा सातवां आठवां नौवां दसवां अपने से कुछ भी लिख देना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इंपॉर्टेंट ऑफ योगा पर रट के जाओ और यही आ जाएगा, या तो फिर मैं आपको पांच इंपॉर्टेंट दे दिया कि यही रट के जाओ और इसी पर आ जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको टोटल यहाँ पे 10 बताऊंगा, ठीक है, और ये भी गारंटी नहीं देता हूँ कि यही 10 में से आएंगे, लेकिन संभावना कि इस यही सब जो है शॉर्ट नोट्स यही सब के अंदर क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा।
ठीक है, तो आप लोग कितना रट के जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब इसको आप लोग को देख लेना, तीन चार लाइन अच्छा से पढ़ लेना, बाकी उधर आपको खुद से समझ के लिख लेना है, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा शॉर्ट नोट्स है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, राइट अ शॉर्ट नोट्स इन 120 वर्ड्स। वन किस पे दिया, तो क्लाइमेट चेंज, तो ये पहला हमारा हो गया। दूसरा क्या, राइट अ शॉर्ट नोट्स इन 120 वर्ड्स, वन डोमेस्टिक वायलेंस। तीसरा क्या हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट्स इन 120 वर्ड्स, वन द इम्पोर्टेंट ऑफ योगा। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा टाइम इसमें खर्चा नहीं करना आपको, मैंने जैसे बताया बस उसी टाइप से आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपको बहुत सारा सब्जेक्ट और बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। आप याद नहीं रख पाओगे और याद किया वो चीज़ हमेशा आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। बट ध्यान रखना, पेज आपको खाली नहीं छोड़ना है। राइट अ शॉर्ट नोट्स इन 120 वर्ड्स, वन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पाँचवा आपका क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट्स इन 120 वर्ड, वन इंडिया 875। अगर आपको किसी पर नहीं समझ में आ रहा है और आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। छठा क्या है, तो आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है वोकेशनल कोर्स के बारे में। सातवां में आपको क्या लिखना है, द इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। आपको आठवां क्या लिखना है शॉर्ट नोट्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेंस में के बारे में लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो आठवां क्या हमारा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आपको ये बताना, ठीक है। ठीक है, तो या तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या तो फिर इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड वेलनेस, या तो वोकेशनल कोर्स, या तो इंडिया 875, या तो सेल्फ इम्प्लॉयमेंट, या तो इंपॉर्टेंट ऑफ योगा, या तो डोमेस्टिक वायलेंस, या तो फिर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।